हम दोनों में सिर्फ आर्मी स्कूल ही कॉमन है। पर एक बात कहूं, हमारे बीच इंप्रूवमेंट तो है। इनफैक्ट मुझे पता क्या लगता है कि एक दिन हम ना हमारे पापा की तरह बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। फिलहाल हम एक साथ प्ले करने जितना कॉर्डियल हो जाएं, उतना ही काफी है। ओके सुमो, आई मीन सुमन, वैसे आज का सेशन बहुत अच्छा रहा ना, अपना नंबर दो। नंबर? वो जो आगे हमें प्रैक्टिस करनी है ना प्ले के लिए, उसके लिए लिखो 98 98 187 187 124 124 एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। वाह मिया, चाय पीना तो हमें भी खूब पसंद है, लेकिन 10 साल में आज तक हमसे तो कभी ना की ये चाय पे चर्चा। तू कर क्या रहा यहाँ पे? अबे तुम्हें ही तो खोजते हुए आए थे हम यहाँ, लेकिन तुम्हें लड़की के साथ देखकर हम खुद ही खो गए। अरे नहीं, वो तो मैम ने मिलने के लिए बोला था, बस इसीलिए मिल रहे थे भाई। अबे ये तो आर्मी स्कूल की फायदे वाली बात है। अरे हमारा ही स्कूल है जहाँ एक तो सब टीचर एक ही चीज बड़बड़ाती रहती है, ए कमबख्त लड़कियों के साथ मत घुमा कर। एक बात बता, जब तुम्हें सामने से मौका मिल रही है तो फिर बाजी क्यों नहीं मार लेते? यार वो मेरे टाइप की नहीं एक्चुअली। भाई मेरे टाइप की तो ये है। चल भाई बंटी, बाद में मिलते हैं। ओ भाई सही है, दिल तो तुम्हारा पीछे के टेबल वाली लड़की पे मर रही है, और जिस लड़की के साथ तुम इस टेबल पर बैठे थे उसका किया। अरे हाँ हाँ, तूने से मेरी तरफ से बाय बोल देना, और कहना मैं कॉल करूंगा से, ठीक है? चल भाई। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ये तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, सो 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 प्रिटी। पर ये किस लिए? बस ऐसे, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ खास देना चाहिए तो मैं ये तुम्हारे लेके आया। और अब जरूरी भी तो नहीं है कि हर गिफ्ट के पीछे कोई रीजन। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। बंटी तुम, श्रवण कहाँ है? कहता है कि सेल्फिश नहीं है, मेरे साथ है तो। और अब अरे रुको, अच्छा। वो तुम्हें बाय बोलने को बोल के किया है, फिर बाद में कॉल करेगा। अरे 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 रुको, अरे अरे रुको तो सही। स्कूटी पर जा रही हो तो बाजार तक छोड़ दोगी थोड़ा? प्लीज प्लीज प्लीज। सिविलियंस हमेशा रॉन्ग साइड। एक ये गलत साइड से वो देख करके आगे निकल जा रही है, और एक ये जा रही है। कितने अनस्टेबल हो, पकड़ के नहीं बैठ सकते? मुझे नहीं, पीछे। केदी की तरफ पीछे पकड़ के बैठ रही हूँ मैं, अब तो आराम से भी दर्द कर रही है। तुम्हें पकड़ के? बिल्कुल नहीं, इससे बेटर होगा कि अगले झटके पे नीचे गिर जाना। अच्छा सुनो, स्टोरी सुनोगे? अच्छा बता ही देता हूँ। एक बार ना मैं और श्रवण फिल्म देखने गए थे, और मैंने दोनों के लिए टिकटें निकाली थी, और तभी उसका कोई एक पुराना दोस्त मिल गया, और वो उसी के साथ निकल लिया, और मैंने दो टिकटों पे एक फिल्म देखी, वो भी अकेले। ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस क्लियर कर रही था कि श्रवण जो है वो सिर्फ दोस्त के साथ जाता है, वो गर्लफ्रेंड नहीं थी उसकी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो लगता है कि देविका की किस्मत खराब है। ओ अच्छा, और क्या क्या लगता है श्रवण के बारे में? कुछ नहीं लगता,
क्लासमेट है वो मेरा बस, बट तुम इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? मैं तो सुनो सर, एक एक आलू टिक्की निपटा दीजिए, वहीं पर है। टिक्की खानी है? हाँ। एक एक टिक्की मतलब एक ही प्लेट में एक टिक्की तुम्हारी और एक टिक्की मेरी? मैं भी यही सोच रहा था। उतरो। अभी खाएंगे क्या? जाके खाओ अपनी टिक्की और पैदल डाइजेस्ट करते हुए आना। टिक्की नहीं पसंद तो कुछ और खा लिएंगे। मैं आइसक्रीम बड़ी पसंद है। तुम्हें जो पसंद है वो खाओ। अरे 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 रुको तो। अरे यार हेलो। हाय सुमो, फ्रॉम दिस साइड। सॉरी रॉन्ग नंबर, यहाँ कोई सुमो नहीं है। अरे अरे लिसन लिसन, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना था एक्चुअली, एक्चुअली डबल सॉरी बोलना था मुझे। दूसरी सॉरी का मैं क्या करूँ? बिना बताए निकल गया ना आज कैफे से, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। तो गर्ल्स को इम्प्रेस करना काम है तुम्हारे लिए? ओ, तो तुम तब तक वहीं पर थी? हाँ। अब देखो वो क्या है ना कि काम तो काम होता है और मुझे इस काम में मेहनत करने में बहुत मजा आता है यार। हाँ, देखा मैंने। एक्चुअली तुम्हें ना एक बात बतानी थी, जब मैं दीपिका के साथ होता हूँ ना मुझे इतना स्पेशल फील होता है कि बस 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 मुझे नहीं जानना, प्ले के बारे में बात करो, उसका आगे क्या करना है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम एक काम करो जल्दी से रेडी होके मेरे घर आ जाओ, हम वहीं रिहर्सल करेंगे, ठीक है? मैं क्यों आऊँ? तुम आना, तुम्हें 10 कदम चलने में भी आलस आता है। अरे वो मैं एक्चुअली आ तो जाता, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारे घर में वो आर्मी रूल है ना कि 8 बजे बाद डिनर नहीं मिलेगा, और मुझे ना उसी टाइम भूख लगती है, तो प्लीज तुम आ जाओ। ठीक है, कितने बजे? तुम ना आराम से डिनर करके 8:30 बजे तक आ जाओ, ठीक है? यार होल्ड, बंटी कहाँ गया? अरे सुमन तुमने बंटी को देखा क्या? टीटी नगर के 56 भोग के यहाँ टिक्की खा रहा होगा, मेरे साथ खाना चाहता था एक ही प्लेट से, मैंने उसको वहीं उतार दिया। तुम्हारे साथ एक ही प्लेट में? उसे तो मैं टिक्की खिलाता हूँ आज। हाँ हाँ सी यू बाय। अरे अरे लिसन सुमन, अरे क्या लड़की है यार ये, सुमन चल ना। नहीं मुझे कहीं जाना है कंचा। अच्छी बहन नहीं बन सकती तो अच्छे बहाने बनाना तो सीख। पेश है आज का स्पेशल की मामी समैया, मेवों से मिश्रित, इलायची से सजी हुई, शक्कर से भरपूर और पिछले शनिवार के गाजर के हलवे की तरह। अरे अब देगा भी? थैंक यू। डमरू मजा आ गया, बहुत बढ़िया। सच में डमरू बहुत अच्छी बनी है। हेलो, हाँ गुप्ता जी। जी एक्सक्यूज मी आंटी, मैं प्लीज ना। अरे नहीं अभी, बहुत देर से देख रहा हूँ क्या चल रहा है। इसे मेरे साथ लेट नाइट जाकर हॉरर फिल्म देखनी है, बोल रही है कल संडे है इसलिए। तो कल क्या सूरज देर से निकलने वाला है? ठीक है चलो भाई, एक्सक्यूज मी। मेरा सूरत से क्या कंपटीशन? वो निकले अपने टाइम पे, मैं तो लेट से उठ सकती हूँ ना माँ। बिल्कुल भी नहीं, खुद भी सो और सुमन को भी मत बिगाड़, समझी? चल जा, बहुत लेट हो गया, चल। चाची, अरे चाची प्लीज सुनो तो। चाची चाची आप ना मेरी दुनिया में सबसे फेवरेट चाची हो, प्लीज आप रुक जाओ। सादा ड्रामा मत करो, मैं तेरी इकलौती चाची हूँ और मेरे ही मायके में ब्याह है, मैं ही ना जाऊँ। अरे अब उन्हें मत रोको ना, एक काम करो आप भी साथ चले जाओ, वैसे भी ना पापा आपके बिना बोर हो जाएंगे। तू ना चुप कर, खुद तो ये बहाना मार के यहाँ रुक गई। अरे तो तू चल ना हमारे साथ, तू क्यों रुक रहा है? मम्मा अब समझा करो ना, सुमन आ रही प्ले के रिहर्सल के लिए, नहीं जा सकता मैं। तो कर लेना ना रिहर्सल, हमें क्यों रोक रहा है भाई, हमें जाने दे, देर हो रही है, चलो भाई। तो पागल है, बोलता रहेगा कुछ कुछ। चाची भैया सुमन कब आने वाली है? मुझे ना बहुत नींद आ रही है। तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सोने की, जब तक सुमन यहाँ रहने वाली है तो जागने वाली, समझी? भैया
भैया वो ना एक लड़की है, कोई भूत नहीं है जो आपको खा जाएगी, थोड़ा चिल मारो ना यार। अरे प्लीज ना, सुन तो। और हाँ, कोई शोर नहीं, मुझे कल सुबह जल्दी उठ के असाइनमेंट करना है, सो गुड नाइट। हाय। हेलो। आओ ना। अंकल आंटी, वो मम्मी पापा ना किसी फंक्शन में गए हैं, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, कॉफी नहीं, चाय ले लेती हूँ। नहीं, डिनर के बाद कुछ नहीं। ओके। अंकल आंटी अवनी सब गए हैं। वो ना अवनी सो रही है, सुबह उठ के उसे असाइनमेंट करना है, बट मैं बुला के लाता हूँ अभी। नहीं, इट्स ओके। अच्छा तुम बैठो तो सही। तुम्हारी बहन होकर वो सुबह जल्दी उठ जाती है, इंप्रेसिव। अंकल आंटी वापस कब तक आएंगे? आ जाएंगे थोड़े टाइम में। वैसे तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? डर मुझे? मम्मी सो रही है। तो कहीं और रिहर्सल कर ले। मेरे रूम में चले। डरोगी तो नहीं? हो प्लीज, खुद को ना इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। चलो। पहले आप। सीरियस? क्या हुआ? ये तुम्हारा रूम है, इतना साफ। रूम इतना साफ और ये फोटोग्राफ्स इतनी फैली हुई। कजिन्स? एक्स गर्लफ्रेंड्स। एंड आई एम सो सॉरी यार, तुम्हारे सामने सब कुछ ऐसे ही आ गया। मुझे सभी अभी शिफ्ट किया ना, तो धीरे धीरे करके सेटल कर रहा हूँ। यानी कि तुम्हारी हिस्ट्री काफी कलरफुल रही है। बस सब भगवान की दया से। पर पता है, मुझे आज तक सच्चा प्यार नहीं मिला। सोमा, ये नताशा है। सोचा था इसके साथ ग्रीस जाऊंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा, पर ये चोर नहीं निकली, मेरा सारा सामान चोरी करके भाग गई। और फिर? फिर क्या, ग्रीस तो नहीं गया पर उसके पीछे मुंबई जरूर पहुंच गया, सीधा उसकी शूटिंग पे। ओ, ये एक्ट्रेस है? मॉडल थी, टोटा, आई मीन गॉर्जियस। और ये गॉर्जियस क्या निकली? डाकू? नहीं, उल्टा इसने मेरी चोरी पकड़ ली। इसे पता चल गया कि मैं अंडर एज हूं। शी वाज 28 एंड आई वाज 17। आजकल के बच्चे भी ना क्रेजी। ओके सॉरी, ये वाली? ये सिर्फ मेरे गुड लुक्स की वजह से मेरे साथ थी। राइट, क्योंकि तुम तो भोपाल के ब्रैड पिट हो। ओ हेलो, हैंडसम तो मैं हूं ही, वो बात अलग है कि आप किसी का टेस्ट ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं। यू नो व्हाट, ये सब मुझ पे मरती थी। और अब देविका भी। हाँ यार, इनफैक्ट मुझे तो लगता है ना कि इस बार कुछ स्पेशल होगा। मेरी गट फीलिंग कहती है, देखना तुम। नॉट इंटरेस्टेड। ए, डोंट टच दैट। मैं दिखाता हूं। इतने बड़े बैडमिंटन चैंपियन का ऑटोग्राफ, ये कैसे? पापा ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल गिफ्ट है।
तुम्हारे पापा तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हें मेडल्स और ट्रॉफीज भी गिफ्ट कर दिए। ओ हेलो, ये सब जीता है मैंने। टैलेंटेड बंदा हूं मैं, पर कभी घमंड नहीं किया खुद पे। ये वाला देखो, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। I hate to admit it, but I'm quite impressed. Thank you. स्क्रिप्ट निकालो, रिहर्सल करते हैं। हाँ I am ready. Lines याद है? मुझे तो स्कूल में भी यही लगा था, पर try करता हूँ। खुद तो बाहर घूम रही है और मैं यहाँ घर पे बोर हो रही हूँ। आज नहीं सोना ऐसे जल्दी। लोग सैटरडे नाइट को आउटिंग्स पे जाते हैं और एक ही घर है। यहाँ पे तो फिल्म देखने पे भी कॉफी हुआ है। मतलब श्रवण भी बुक्ड है। मुझे ना पूरी लाइफ में कोई नहीं मिलने वाला। हैशटैग सैड नाइट सैड लाइफ। वैसे मैं भी तो देखूं ये लकी चिक है कौन? कौन है ये? अच्छा, तुम जाओ और चाहे तुम दुनिया में कहीं भी रहो, दो बातें हमेशा याद रखना। पहली कि तुम्हें वापस लौटकर मेरे पास आना है, और दूसरी कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुमन, ये सुमन की बच्ची श्रवण के रूम में क्या कर रही है? मैं लौट कर आऊंगा हीर, मैं लौट कर आऊंगा, पर अभी मुझे जाना होगा। मुझे हंसकर विदा करो। बाकी कल? हाँ, मैं भी थक सा गया हूं सचिव से करेक्टर से। अजीब, और नहीं तो क्या? जब पता है वॉर इतनी डेंजरस होने वाली है तो बॉर्डर पे जाना ही क्यों है? इट्स लाइक चूजिंग योर ओन डेथ। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगी। काम समझ के कर लो। अच्छा सुनो तो चलो बाय। अच्छा लिसन, घर तक छोड़ देता हूँ। तुम मुझे छोड़ोगे? हाँ। मेरे घर तक? हाँ। फिर तुम्हें वापस छोड़ने कौन आएगा? हाँ? मैं अकेले वापस जा सकती हूँ। I'm self-sufficient. Don't worry. अच्छा? Self-sufficient. तो चेयर पे सेफली लैंड नहीं कर सकते क्या? हाँ? अब वहां तो लड़का चेयर पुल करके दे, और जब यहाँ शिवलरी दिखा रहा हूँ तो self-sufficient बन रही हो। मतलब कंफ्यूज लोग हो यार तुम। तुम रहने दो, गुड नाइट। बड़ी अजीब लड़की है यार। What?
जब घर की जवान लड़की पैर दबाकर चलने लगे ना, तो घर वालों को समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या मतलब? कुछ भी बकवास करती रहती है, जो मन में है बोल देती है। और जब लड़की रात को पड़ोसी लड़के के घर जाके उससे अकेले मिलती है, तो घर वालों को समझ जाना चाहिए कि उसका अफेयर चल रहा है। चल रहा है क्या? जी नहीं, पागल हो गई है क्या? चलिए हाँ, मैंने जो देखा ना उसे देख के तो मुझे पागल हो ही जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हुई। तू कहाँ थी, क्या कर रही थी, मुझे सब मालूम है। ओ, अब मुझे समझ में आया कि तू मुझे क्यों श्रवण के बाइक के पीछे नहीं बैठने देती थी। सुमन, लॉन्ग प्लान हाँ? क्या बकवास कर रही है तू? अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ और तू श्रवण के साथ रास कर रही है ना? क्या यार सुमन, पहले मुझे देविका ने धोखा दिया और अब तूने। कैसा धोखा? ओ हेलो, सिर्फ प्ले का रिहर्सल करने गई थी उसके घर, बस ये ले। ओ, यानी तेरे और श्रवण के बीच में कोई खिचड़ी नहीं पकड़ी? मैं और श्रवण, तुझे लगता है कि ये पॉसिबल है? वैसे पॉसिबल तो कुछ भी है ना। तेरा दिमाग खराब हो गया कंचा, वो एकदम वाहियात लड़कियों से फ्लर्ट करने वाला टाइप का सिविलियन बॉय है और तेरा उस पे कोई फोकस नहीं है। एग्जैक्टली। तू कहती है तो मान लेती हूँ, बट रिमेम्बर मेरी नजर हमेशा रहेगी तुझ पर और उस पे, समझी? चुपचाप जाके सो जा, अगर नींद खुलेगी तो नजर रहेगी ना। वेरी फनी, गुड नाइट। गुड नाइट। झूठ बोलता है और आवारा सा है, या वो है जिसकी वो सारी ट्रॉफीज और मेडल्स हैं? पता लगाना पड़ेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।